वैसे तो आप सभी लोगों ने देख लिया होगा जो अभी नई शिक्षा नीति आई हुई है, और जब ये आई थी तब भी हम लोगों ने विस्तार से बात कर ली थी इसके। लेकिन अभी दृष्टि आईएएस ने एक आर्टिकल निकाला है आपका, और उसमें बहुत बढ़िया से समझाया गया है, तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी बता दें, ठीक है? क्योंकि दृष्टि आईएएस जब भी कोई आर्टिकल देता है तो आप देखते हैं कि बड़े मज़ेदार देता है, वो बड़ा सीधे साधे शब्दों में बताया जाता है उसमें। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, जो भी इससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई है उसमें जो भी तत्व होंगे आपके जरूरी से, क्योंकि प्रीलिम्स में भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं और मेंस में भी बन सकते हैं और आपका इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। और दूसरी बात सबसे खास ये है कि हमें जाननी भी तो चाहिए, हम भारत में रह रहे हैं, क्या शिक्षा नीति है, क्या क्या चल रहा है, तो इसके बारे में भी आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। हाल ही में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई, जिसे सभी के परामर्श से तैयार किया गया है, यानी कि इसे तैयार करने में सबकी सलाह ली गई है। इसे लाने के साथ ही देश में शिक्षा पर व्यापक चर्चा आरंभ हो गई है, और शिक्षा के संबंध में गांधी जी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा की सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। क्या है गांधी जी के का तात्पर्य क्या था? बालक मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद साहब का क्या कहना था? मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता में को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इन्हीं सब चर्चाओं के मध्य हम देखेंगे कि 1986 की शिक्षा नीति में ऐसे क्या खामियां रह गई थी जिन्हें दूर करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने की आवश्यकता पड़ी है। साथ ही क्या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगी जिसका सपना महात्मा गांधी और विवेकानंद साहब ने देखा था? आप जब भी आंसर राइटिंग करें तो इन पॉइंटों को भी आप लोग डाल सकते हैं, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या जो भी आपके और व्यक्ति हों इस तरह की उन्होंने शिक्षा पर कोई बात की है अच्छी, तो आप उसे आंसर में लिख सकते हैं। सबसे पहले शिक्षा क्या है इस पर गौर करना आवश्यक है कि शिक्षा नीति की बात की जा रही, तो शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, परंतु अगर इसके व्यापक अर्थ को देखें तो शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिसका कोई उद्देश्य होता है, जिससे मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास और व्यवहार की परिष्कृत किया जाता है। शिक्षा द्वारा ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाया जाता है। आप भी तो कहते हैं कि इससे शिक्षा लीजिए, इससे कुछ सीख लीजिए, उसे तो शिक्षा कर देते हैं, इस बच्चे से शिक्षा लीजिए, यानी कि सीखने की कोई कला, इसे ही शिक्षा कह देते हैं सामान्य तौर पर। गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये भी आपसे क्वेश्चंस बन सकता है, तो याद रखिए पहले मानव संसाधन मंत्रालय हुआ करता था, इसका नया नाम क्या है? शिक्षा मंत्रालय। इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई। इसके उद्देश्यों के तहत वर्ष 2030 तक, कब तक? 2030 तक स्कूल में शिक्षा में आप देखेंगे 100% GER, यानी कि GER का मतलब होता है सकल नामांकन अनुपात, के साथ साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर की शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य का लक्ष्य रखा गया है। कितना? 100% सकल नामांकन अनुपात। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, इन पर भी बात कर लेता हूँ। अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, जिसमें वर्ष 1992 में संशोधन भी किया गया था, और वर्तमान नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। तो ये भी आपका बन सकता है क्वेश्चन कि जो वर्तमान राष्ट्रीय नीति आई हुई है शिक्षा नीति 21 की अध्यक्षता की समिति की रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई है, तो याद रखना के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य भी रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकारों के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर GDP के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखिए ये तो आने वाले दिनों में मालूम चलेगा, जब आपने देखा होगा कि पहली आपकी शिक्षा नीति आई हुई थी ये आपकी 1968 की बात है।
तब की है, 1968 की तो बात है शायद, 1968 में पहली शिक्षा नीति आई थी, तब भी इस तरह का लक्ष्य रखा गया था कि जीडीपी का 6% इस पर खर्च किया जाएगा। लेकिन उसके बाद देखा आपने, 1.5 से 2% तक देखा गया खर्च। अभी आने वाले दिनों में मालूम चलेगा कि 6% खर्च होता है या नहीं होता है। और याद रखिए, होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी रही तो हम हर क्षेत्र में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि किसी देश को विकासशील या विकसित होने या अल्प विकसित रहने में शिक्षा का ही महत्व है। आप सोचिए, एक तरह ये गरीब व्यक्ति को आप लोग खाना पीना दे देते हैं, कोई योजना ला कर दे देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो आप उसके मतलब एक तरह से गरीबी बनाए रखने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। आप उसे, आपको देना है तो शिक्षा दीजिए, उसे स्वास्थ्य दीजिए, वो अपने आप खड़ा हो जाएगा अपने पैरों पर, और वो अपना तो विकास करेगा, अपने परिवार का देखभाल करेगा, साथ में देश की तरक्की यानी कि देश की विकास दर में भी योगदान करेगा। मैं तो कहता हूँ कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सबको फ्री हो जाना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं इन्हीं के कारण गरीब गरीब रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदुओं पर चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधानों की। नई शिक्षा नीति में 5 फिलिस्तीन और 4 डिजाइन वाली शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है, जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। 5 वर्ष की फाउंडेशन स्टेज की बात करूँ, शुरू में जो 5 दिया गया है, इसकी अगर बात करूँ हम लोग, जैसे फाउंडेशन स्टेज आप लोग कहते हैं, तो 3 साल का प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1 और 2, आप समझ रहे हैं, आप देखते हैं यूकेजी, एलकेजी, एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, पता नहीं ये नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, इस तरह से 3 साल ही हो गए, और कक्षा 1 और 2, इस तरह से टोटल आपके 5 साल हो गए। इसमें आप देखेंगे फाउंडेशन स्टेज रहेगा, ये कैसा रहेगा, फाउंडेशन स्टेज रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 3 वर्ष का प्री प्रिपरेटरी स्टेज, 3 वर्ष के मध्य इसमें देखेंगे आप लोग कि क्या क्या, ये 3 वर्ष इसकी बात की जा रही है, तो इसमें देखेंगे 3 4 5, 3 4 5, 5वीं क्लास तक आपका इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका 3A+3, ये आपका 3 वर्ष का मध्य यानी कि उच्च प्राथमिक चरण, इसमें आप देखेंगे कक्षा 7, कक्षा 8 और कक्षा 6 7 8, कक्षा 6 7 8, ये 3 साल आपके निपट गए। फिर उसके बाद बचते हैं 4 साल आपके, तो 4 वर्ष का यानी कि उच्च यानी कि माध्यमिक चरण होगा, इसमें आप देखेंगे ग्रेड 9 10 11वीं 12वीं रहेगा आपका। तो शुरू के 5 वर्ष आपके क्या है, फाउंडेशन स्टेज, इसमें आपका 3 साल का प्री होगा और कक्षा 1 और 2 शामिल की जाएगी। फिर आपकी इस 3 साल में आप देखेंगे 3 4 5, कक्षा 3 4 5 शामिल किया जाएगा। फिर आप 3+ देखेंगे, इसमें आप कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं को शामिल करेंगे, और ये 4+ आपका इसमें देखेंगे कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं को शामिल किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत HHRO द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का प्रस्ताव भी किया गया है। इसके द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा 3 स्तर के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। एक तरह से आप सोचिए कि अब बहुत मतलब बेहतर तरीके से अगर इसका क्रियान्वयन हो गया तो बहुत बेहतर स्कोर कर पाएगा हमारा देश। भाषाई विविधता के संरक्षण की बात करें अगर हम लोग, तो नई शिक्षा नीति में कक्षा 5वीं तक की शिक्षा में मातृभाषा स्थानीय या फिर क्षेत्रीय भाषा का अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। यानी कि कक्षा 5वीं तक की जो भी पढ़ाई होगी वो मातृभाषा में भी हो सकती है, स्थानीय भाषा में हो सकती है, क्षेत्रीय भाषा में हो सकती है। जैसे आप देखेंगे, देखिए तमिल की बात ले लीजिए, तमिलनाडु की, ठीक है, वहाँ की तमिल भाषा आप देखिए मातृभाषा है, तो वो अपनी मातृभाषा में दे सकते हैं शिक्षा को 5वीं तक, ठीक है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा की कक्षा 8वीं और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव भी दिया गया है। यानी कि ये 5वीं तक तो मतलब अनिवार्य है, उसके बाद आगे भी देखा जाएगा, इस तरह की बात हो सकती है। इसकी स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा,
परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। वो अपने मन से कोई भी भाषा चुन सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसे कोई भाषा चुनने के लिए बाध्य किया जाएगा कि नहीं आपको यही भाषा चुननी है, ऐसा भी नहीं है। फिर आपकी शारीरिक शिक्षा, विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेलकूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी, ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधियों एवं व्यायाम वगैरह में भाग ले सकें। यानी कि शरीर से भी एक तरह से शिक्षित रहें, शरीर भी उसका स्वास्थ्य रहे उन लोगों का, क्योंकि बिना आप कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन नहीं हो, यानी कि कहने का मतलब है कि आप स्वस्थ नहीं होंगे तब तक शिक्षा पर कोई अच्छा असर नहीं रहेगा। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच अधिक अंतर नहीं होगा। कक्षा छठवीं से शैक्षणिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाएगा। इससे इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी। एक समझिए ये बात आप लोग, अगर इस तरह की व्यावसायिक शिक्षा, अगर आप सोचिए कक्षा छठवीं से ही शुरू हो जाता है, कंप्यूटर शुरू हो जाता है, तो एक तरह से मतलब जो भी व्यक्ति होगा वो इतना पढ़ा लिखा हो जाएगा कि कहीं अच्छे से रोजगार तलाश सकता है और काम कर सकता है। अभी आप लोग चीन और बाकी देशों में देखेंगे तो शुरू से ही कौशल इस तरह की शिक्षा की बात की जाने लगती है। और अभी तक हमारे देश में क्या होता था कि वो शिक्षा पढ़ते थे हम लोग बारहवीं तक लगभग, कि जो हमें समझ ही में नहीं आता था वो, जिसका आप देखते हैं कि बारहवीं पास करने के बाद भी वो ना के बराबर जानता था। तो इसमें भी व्यावसायिक शिक्षा जोड़ी जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो आपको कहा जाता है NCERT बुक्स पढ़िए आप लोग। NCERT द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक अच्छा, सबसे अच्छी बात यह भी है इसमें, एक कॉमन सिलेबस रहेगा। कहने का मतलब है कि आप किसी भी राज्य में रह रहे हैं, आपको कॉमन सिलेबस पढ़ाया जाएगा। तो इसका अच्छा एक प्रभाव ये भी रहेगा कि आप देखेंगे कि कहीं आप अगर उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं आपको और कभी MP में जाना पड़ जाए या किसी और राज्य में जाना पड़ जाए, तो कम से कम आपका कॉमन सिलेबस रहेगा, तो आप कहीं भी रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। छात्रों के लिए समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा दसवीं और कक्षा बारहवीं की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। इसमें भविष्य में सेमेस्टर, बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। सेमेस्टर आप देखते थे ना कि जब आप लोग डिग्री करते थे तो उसमें सेमेस्टर हुआ करते थे। अब कई राज्यों में आप देखेंगे कि सेमेस्टर खत्म कर दिए गए हैं, एक साल में एक बार पेपर करवाए जाते हैं और कई जगह अभी भी चलते हैं। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना भी की जाएगी, ठीक है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन और छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था से संबंधित सुधार की बात करूँ तो शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन और समय समय पर किए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति भी मिलेगी। किसने? शिक्षकों को। अगर ऐसा होता है उनके कार्यों कार्य के आधार पर उन्हें पदोन्नति यानी कि कुछ अच्छी तरह से उन्हें आगे बढ़ने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है तो मुझे लगता है कि शिक्षक मेहनत भी करेंगे, क्योंकि आप देखते हैं अभी गाँव की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ कुर्सी डालेंगे और बच्चे खेल रहे होंगे, खुद कुर्सी एक सामने डालकर सो रहे होंगे शिक्षक। इस तरह की आपको कई जगह मिल जाएंगे फोटो भी देखने को। और ये वैसे भी अगर आप गांव की तरफ से रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र से तो ये भी आपको व्यवस्था देखने को मिल जाती है। तो अब उनके काम के आधार पर उन्हें पदोन्नति दी जाएगी तो इसमें क्या होगा कि वो भी मेहनत करेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विकास भी किया जाएगा NCFTE। यानी कि इसमें शिक्षा की व्यवस्था में आप सोचिए कि शिक्षकों के भी सुधार की बात की जा रही है। ये सबसे बढ़िया कदम है, क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षक तो वही पद्धति में रहते थे
स्टूडेंट बदलते रहते थे, विद्यार्थी। तो अब कम से कम बदलाव में शिक्षकों, जो भी टीचर हैं, उनकी बदलाव की बात भी की जा रही है। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधानों की, कि उच्च शिक्षा में क्या प्रावधान किए गए हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% 2018 में थी, इसे बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों का जोड़ा जाएगा। 3.5 करोड़ यानी कि आप कहिए कि 3.5 करोड़ के करीब नई सीटें भी जोड़ी जाएंगी। नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था को अपनाया जाएगा। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तर पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे, उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्ष के बाद स्नातक की डिग्री और 4 वर्ष के बाद शोध के साथ स्नातक। एक बात आप लोगों ने देखी होगी, अगर आप बीएससी कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, तो 3 साल की है आपकी बीएससी, तो अभी अगर 2 साल कर लिया आपने कंप्लीट और तीसरे साल में पेपर दिए आपने छोड़ दिया, कोई काम आपको आ गया या कोई मुसीबत आपके सामने आ गई, तो अभी आप देखते थे कि कुछ नहीं मिलता था, आपकी 2 साल पूरी तरह से बर्बाद होती थी। लेकिन अब ये ऑप्शन दे दिया गया आपका कि अगर आप 1 वर्ष की कोई परीक्षा देते हैं, यानी कि 1 वर्ष बीएससी करते हैं, तो आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगर 2 वर्ष का आप काम करते हैं तो डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर आप 3 वर्ष में वो डिग्री, अगर 3 साल की है तो आप पूरी एक तरह से डिग्री मिल जाएगी 3 वर्ष में, ठीक है, तो आपका नुकसान नहीं होगा। मतलब 1 साल आपने मेहनत की है तो उसका आपको कुछ ना कुछ परिणाम मिलेगा। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या फिर क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, ताकि अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर इन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। पहले आप देखते थे कि पीएचडी करने के लिए एमफिल पहले पास करनी होती थी, अब इसे भी खत्म कर दिया गया आपका, ठीक है। अब बात करते हैं भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की। तो नई शिक्षा नीति में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एकल नियामक अर्थात भारतीय उच्च शिक्षा परिषद की परिकल्पना की गई है, जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कई कार्य क्षेत्र भी शामिल होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एकल निकाय के रूप में कार्य भी करेगा। क्या? भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। अब बात करते हैं आपका जो भारतीय उच्च शिक्षा परिषद है, इसके कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु 4 निकाय कौन कौन से? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद, एक शिक्षक शिक्षा सहित उस उच्च शिक्षा के लिए एक नियामक का कार्य करेगा। फिर आपका दूसरा है सामान्य शिक्षा परिषद, यह उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीखने के परिणामों का ढांचा तैयार करेगा अर्थात उनके मानक निर्धारण का कार्य करेगा। तीसरा होगा आपका राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, यह संस्थानों के प्रत्यायन का कार्य करेगा जो मुख्य रूप से बुनियादी मानदंडों, सार्वजनिक स्वयं प्रकटीकरण, सुशासन और परिणामों पर आधारित होगा। फिर आपका होगा उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद, या निकाय कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के लिए वित्त पोषण का कार्य भी करेगा। यहाँ कुछ आपका नोट दिया गया, इसे भी देख लेते हैं हम लोग। गौरतलब है कि वर्तमान में उच्च शिक्षा निकायों का विनियमन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC, अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद यानी कि AICTE और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCET जैसे निकायों के माध्यम से किया जाता था, अब इसे बदल दिया जाएगा आने वाले दिनों में, ठीक है। देश में IIT और IIM के समक्ष वैश्विक मानकों को बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, IIT IIM, ये आप जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। इसमें विकलांग बच्चों के हेतु, मतलब इनका भी ध्यान दिया गया है जो विकलांग है। इस नई शिक्षा नीति में विकलांग बच्चों के लिए क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण संसाधन केंद्र, आवास,
सहायक उपकरण, उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन और प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना आदि प्रक्रियाओं को सक्षम भी बनाया जाएगा। यानी कि सभी का ध्यान रखा गया है नई शिक्षा नीति में, समझ रहे हैं। फिर आपका डिजिटल शिक्षा से संबंधित प्रावधान, आज आप लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ आप देखते हैं डिजिटल शिक्षा, डिजिटल शिक्षा या फिर डिजिटल भारत, तो इसका भी प्रावधान क्या है। एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का गठन किया जाएगा, जिसके द्वारा शिक्षण मूल्यांकन योजना, प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों का आदान प्रदान किया जा सकेगा। डिजिटल शिक्षा संस्थानों को विकसित करने के लिए अलग प्रौद्योगिकी इकाई का विकास किया जाएगा, जो डिजिटल बुनियादी ढांचे, सामग्री और क्षमता निर्माण हेतु समन्वय का कार्य करेगी। फिर आप देखेंगे पारंपरिक ज्ञान संबंधी प्रावधान, भारतीय ज्ञान प्रणालियां जिसमें जनजातीय स्वदेशी ज्ञान शामिल होगा को पाठ्यक्रम में सटीक एवं वैज्ञानिक तरीके से शामिल किया जाएगा। एक बात तो वैसे मैं भी कहूँगा कि हमें अपनी संस्कृति को भी इसमें जोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति से जो भारत की असली आत्मा थी, जिस आप जिसे सच में आप भारत कहते थे, भारत तो वही है ना कि जो जियो और जीने दो, मतलब यानी कि हम सबको साथ लेकर बात करने देते थे आगे चल बढ़ने की, लेकिन हम उससे बहुत पीछे हटते जा रहे हैं, तो इसे भी जोड़कर हम लोग कर सकते हैं शुरू। विशेष बिंदु कुछ दिए गए, इन पर भी देख लेता हूँ। का आकांक्षी जिले जैसे क्षेत्र जहाँ बड़ी संख्या में आर्थिक, सामाजिक और जातिगत बाधाओं का सामना करने वाले छात्र पाए जाते हैं, उन्हें विशेष शिक्षित क्षेत्र के रूप में नामित किया जाएगा। देश में क्षमता निर्माण हेतु केंद्र सभी लड़कियों, ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता प्रदान करने की दिशा में एक जेंडर इनक्लूजन फंड की स्थापना भी करेगा। गौरतलब है कि 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा हेतु एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा और शैक्षणिक ढांचे का निर्माण NCERT द्वारा किया जाएगा। वित्तीय सहायता की बात करूं तो SC ST और OBC और अन्य सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन में के रूप में वित्तीय सहायता यानी कि पैसे से कुछ मदद भी की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की बात कर लेते हैं। इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने की करने विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जाति समुदायों के लिए शैक्षणिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर देना था। इस नीति में प्रारंभिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया था। ये आपकी 1986 की योजना, मतलब शिक्षा की उद्देश्य थे इसके, शिक्षा नीति के। इस नीति में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का विस्तार भी किया। ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण के लिए नीति का आह्वान भी किया था। ये सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के उद्देश्य थे। अब बात करते हैं पूर्ववर्ती शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी कानून या कोई भी शिक्षा नीति या कोई भी इस तरह के प्रावधान तभी उसे परिवर्तन करते हैं, संशोधन करते हैं, जब उसमें आवश्यकता हो। आखिर बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति लाई गई है। अब आता है कि नई शिक्षा नीति में संबंधित चुनौतियां क्या हैं इसके सामने। राज्यों का सहयोग, शिक्षा एक संवर्ती विषय होने के कारण अधिकांश राज्यों के अपने स्कूल बोर्ड हैं। कहने का मतलब है कि आप देखते हैं यूपी बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, इस तरह के राज्यों के भी अपने बोर्ड हुआ करते थे। और संवर्ती सूची का मतलब ये होता है कि राज्य सरकार भी कानून बना सकती है उस पर और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन अगर दोनों में विरोध होता है तो केंद्र सरकार के कानून को मान्यता रहती है। इसलिए इस फैसले के वास्तविक कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को सामने आना होगा। साथ ही शीर्ष नियंत्रण संगठन के तौर पर एक राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा नियामक परिषद को
लाने संबंधी विचार का राज्यों द्वारा विरोध हो सकता है। वहाँ तो ठीक है, जहाँ आप सोचते होंगे कि सरकार है, केंद्र में जिसकी सरकार है और राज्यों में भी उसी की सरकार है, वहाँ तो आसानी से लागू किया जा सकता है। समस्या तब उत्पन्न होती है कि आप देखते हैं केंद्र में दूसरी सरकार है और राज्यों में दूसरी पार्टी की सरकार है, तब इस तरह के विरोध देखे जाते हैं। महंगी शिक्षा, नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है। विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था की महंगी होने की आशंका है। इसके फलस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एक तरह से आप भी जानते हैं कि अभी भी लोग अपने बच्चों को भी अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते हैं, आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर होती है। अगर और महंगी शिक्षा होती है तो फिर ये समस्या और भी बढ़ सकती है। शिक्षा का संस्कृतिकरण, दक्षिण भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि त्रिभाषा सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है। त्रिभाषा का मतलब ये होता है कि एक हिंदी हो गई, एक अंग्रेजी हो गई और एक आपकी क्षेत्रीय भाषा हो गई। जैसे आप ले लीजिए बुंदेलखंड की बात कर लीजिए, वहाँ एक आप हिंदी लागू करेंगे और एक आप क्या करेंगे, एक आपकी रहेगी इंग्लिश और तीसरी आपकी भाषा रहेगी बुंदेलखंडी, कोई भी इस तरह की भाषा चुन सकते। तमिल की बात कीजिए तो आप तमिलनाडु में आप देखेंगे तमिल एक स्थानीय भाषा हो गई और दूसरी आपकी दो भाषा हो गई हिंदी और इंग्लिश। लेकिन तमिलनाडु क्या करता है कि दक्षिण भारत के जो भी राज्य हैं वो इसका विरोध करते हैं, वो कहते हैं द्विभाषी सिद्धांत रहना चाहिए, पहला आपका इंग्लिश और दूसरी उनकी क्षेत्रीय भाषा यानी कि स्थानीय भाषा जिसे आप लोग तमिल कहते हैं, ठीक है। तो इस पर भी विरोध चल रहा है। फिर आपकी फंडिंग संबंधी जाँच का अपर्याप्त होना, कुछ राज्यों में अभी भी शुल्क संबंधी विनियमन मौजूद है लेकिन ये नियामक प्रक्रियाएं असीमित दान के रूप में मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने में असमर्थ भी है। वित्त पोषण का सुनिश्चित होना इस बात पर निर्भर करेगा कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के रूप में जीडीपी की प्रस्तावित 6% खर्च करने की इच्छा शक्ति कितनी सशक्त है, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा है कि कई तरह की घोषणाएँ होती रही। जब हमारे देश में पहली शिक्षा नीति लागू हुई तभी से बात की गई थी कि 6% खर्च होना चाहिए, लेकिन आज तक ये नहीं हो पाया है। तो ये तो आने वाले दिनों में मालूम चलेगा कितनी इस पर बात होती है। फिर आपका मानव संसाधन का अभाव, वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है। ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यवहारिक समस्या भी है। आप सोचिए कि 40,000 एक टीचर को देते हैं, उनको आपने देखा होगा कि किस तरह का पढ़ाया जाता है सरकारी स्कूल में, इससे आप लोग भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो इन शिक्षकों में सुधार करना चाहिए क्योंकि उन्हें खुद तो आता नहीं है पूरा। एक तरह से आप उनसे अगर ये अंग्रेजी के 26 अक्षर लेटर की बात करी जाए तो इनके बारे में अगर अच्छे से पूछें तो उन्हें खुद नहीं आता है, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो उन्हें भी इस तरह की सुधार करने की बात की जानी चाहिए और शिक्षकों के सुधार की भी बात होनी चाहिए, तो ये भी देखा जाएगा। लास्ट में हम लोग क्या कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। अगर इसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों की समकक्ष ले आएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। 34 वर्ष के पश्चात आई नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है, जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी कि 3 से 6 वर्ष की आयु सीमा को सार्वभौमिक बनाना है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D मशीन, डेटा विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे। युवाओं की रोजगार क्षमता में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो देखिए इस तरह के नियम कानून, नई शिक्षा नीति या फिर नए कोई भी नियम आते हैं, आ जाते हैं धरती पर यानी कि जमीनी स्तर पर किस प्रकार से लागू हो रहे हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अगर इस तरह की सफल होती है शिक्षा नीति तो मुझे लगता है कि हमारा देश बहुत आगे पहुंच जाएगा, ठीक है। एक आपने देखा होगा शिक्षा का अधिकार आपको मौलिक अधिकारों में जोड़ा जा चुका है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। 21 का शिक्षा का अधिकार, तो इसे भी याद रखिए, इससे भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो
तो ये थी नई नई शिक्षा नीति के कुछ आपने प्रावधान देख लिए मुख्य तत्व, इनसे क्वेश्चंस आपके बने तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।